अस्सलाम वालेकुम। हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 के, सेवन्थ ग्रेड के। तो डिस्क्राइब, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारा जो दिल होता है एक मस्कुलर आर्गन है जिसका साइज हमारी पन मुट्ठी के बराबर होता है। द हार्ट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, इट पम्प्स ऑक्सीजन पोअर ब्लड यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। देयर आर द 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया सिंगुलर आर्ट्रियम and two lower chambers called ventricles. The ventricles of our heart are larger than the arteria. Both arteria contract at the same time and so the ventricles. The blood passes from the arteria into ventricles. There is a valve between each atrium and ventricle on the both side of the heart. These valves keep the blood flowing in one direction. हमारे दिल के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स जिनको आर्ट्रिया कहा जाता है जिनका सिंगुलर आर्ट्रियम होता है, एंड 2 लोअर चैम्बर्स जो के वेंट्रिसल्स कहलाते हैं। जो वेंट्रिसल्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर वो लार्जर होते हैं आर्ट्रिया से। जो बोथ आर्ट्रिया होते हैं वो एक ही टाइम कंट्रैक्ट करते हैं यानी कि एक ही टाइम सुकड़ते हैं और ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्री सेल्स में चला जाता है और फिर बोथ वेंट्री सेल्स फिर कंट्रैक्ट करते हैं और एक वेंट्री सेल से जो बॉडी ब्लड है वो बॉडी में चला जाता है लेफ्ट से और एक से वो लंग्स में चला जाता है। जो आट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं उनके दरमियान वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का बुनियादी मकसद क्या होता है कि ब्लड आट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाता है लेकिन वो बैक फ्लो मूव नहीं करता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इंटर्स द राइट आट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स enter the left atrium of our heart. The right ventricle pushes the blood to the lungs and the left ventricle pushes the blood to the body. Deoxygenated blood जो होता है body से enter होता है right atrium में और जो oxygenated blood होता है lungs से वो enter होता है left atrium में। जो right ventricles होता है वो pushes the blood to the lungs क्योंकि उसमें कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड करना होता है और ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है लंग्स के अंदर होता है। तो राइट वेंट्रिकल्स पुशेस करता है ब्लड को और लंग्स की तरफ भेज देता है जहाँ पे फर्दर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है उस लेफ्ट आर्ट्रियम में चूँकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लंग्स से तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला गया और वहाँ से पुश हुआ उसने लेफ्ट वेंट्रिकल ने पुश किया और ब्लड चला गया बॉडी के अंदर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू आपको समझ आ गई होगी। देन द क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। The three types of blood vessels are arteries, capillaries and veins. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Arteries वो वाली blood vessels होती हैं जो दिल से blood को दूर लेकर जाती हैं। अब दो तरह के दिल से वेसल्स ब्लड को दूर लेके जाती हैं। आर्टरीज वो वाली आर्टरीज जो
बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटर ब्लड लेके जाती बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटर ब्लड लेके जाती हैं हार्ट हार्ट से, तो वो भी आर्टरीज होती हैं एक, और दूसरी आर्टरीज वो हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स लेकर जाती हैं, और वो कहलाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरी डिवाइडेड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपलरीज। आर्टरीज आगे मजीद डिवाइड होती हैं कैपलरीज में। कैपलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, देयर आर द सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। ये बहुत ही बारीक और छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपलरी डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स। वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूजेस इनटू ब्लड ऑफ कैपलरीज। कैपलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं वो स्मॉल होती जाती हैं ऐसा ऐसा, और इतनी छोटी हो जाती हैं कि एक सेल एक वक्त में एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं, और इतनी ब्रीक होती हैं कि वहाँ से जो फूड है और ऑक्सीजन वो इजीली ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से सेल्स से कैपलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उनके अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। कैपलरीज फिर आगे जॉइन होती हैं और एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन करती हैं और आगे वेन्स बन जाती हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था आर्टरीज के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर, और अब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ गई, कैपलरीज में ये एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद अब वेन्स में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दिल की तरफ जा रहा है। बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। डेफिनेशन वेन्स की ये है कि वेन्स वो वाली वेसल्स होती हैं जो ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। अब एक ब्लड तो ये जा रहा है ना जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि अब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिक्स हो गई है, और वो हार्ट की तरफ जा रहा है, जहाँ से हार्ट के ज़रिए फिर वो जाएगा वेन्स में। ठीक है, तो हार्ट की तरफ जो भी वेन्स ब्लड वेसल्स आती हैं वो वेन्स कहलाती हैं। अब ये वेन्स जो बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ जा रही हैं, ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, जबकि वो वेन्स जो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं वो वाली कहलाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट रूट्स परमिट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। That is a simple structure. Water enters the plant body through its roots. Roots के ज़रिए water plants के अंदर enter होता है। There are thousands of the tiny root hairs on each root. Root के ऊपर बारीक-बारीक छोटे छोटे hairs होते हैं जिन्हें root hairs कहते हैं। Soil surrounding the root has higher amount of water and minerals than inside the root cells. Water and dissolved minerals from the soil absorb into the root hairs by diffusion. Diffusion is the movement of a substance from where it is in a large amount to where it is in small amount. Diffusion क्या होती है? किसी भी substance की movement large amount से small amount में वो diffusion कहलाती है. As water is in roots, water in root increases, pressure is produced into the root cells to push water and mineral up in the plants. जैसे जैसे वाटर रूट्स के अंदर बढ़ता जाता है तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है, और वो प्रेशर के ज़रिए जो रूट सेल्स हैं वो वाटर को और मिनरल्स को अपवर्ड प्लांट्स में पुश करते हैं। उसके बाद लेबल करनी है डायग्राम। यू कैन सी इट क्लियरली, दिस इज़ लेफ्ट आर्टरियम, दीज आर टू वेल्व्स, एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, and this is left atrium and this is right ventricles. This is the whole diagram and the whole exercise of